ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार से जुड़े छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में एक अहम गवाह की सुरक्षा का दिल्ली पुलिस ने ऐसा इंतजाम किया है जिसे भेद पाना आसान नहीं है। घटना वाले दिन स्टेडियम में सुशील कुमार के हाथों कथित तौर पर पिटाई खाने वालों में से एक व्यक्ति की मांग पर यह कदम उठाया गया। कहा जा रहा है कि ये गवाह हरियाणा में रहता है, इसीलिए उसके सुरक्षा घेरे को इस ढंग से तैयार किया गया है जिसके अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद ना पैदा हो। हरियाणा में रहने के दौरान गवाह और उसके घर के आसपास हर वक्त हरियाणा पुलिस की पैनी नजर है। संदिग्ध व्यक्ति या सामान को ट्रैप करने के लिए घर या उसके आसपास सुरक्षा उपकरण की मौजूदगी मिलेगी। गवाह को पूरे मामले की जांच के सिलसिले में कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, तो सीमा तक हरियाणा पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी के भीतर यानी कि दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। ये फैसले हाल ही में एक बैठक में लिए गए हैं। इसमें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट रोहिणी कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर, DCP नॉर्थ वेस्ट, मामले की जांच में जुड़े इंस्पेक्टर और गवाहों के वकील भी मौजूद रहे। आपस में सलाह मशवरा के बाद कमेटी ने तय किया कि गवाह की दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे। इस व्यक्ति को 24 घंटे पुलिस के सुरक्षा में रखा जाएगा। जांच अधिकारी ने कमेटी के सामने आवेदन दायर कर गवाह की ओर से सुरक्षा मांगे जाने का मुद्दा उठाया था। इसी साल 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो इस व्यक्ति को गवाह सुरक्षा योजना 2018 के तहत सुरक्षा प्रदान करे। याचिका में व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि छत्रसाल स्टेडियम में जब ये घटना हुई थी उस समय सुशील कुमार ने उनके पिटाई की थी। एक पहलवान इसमें सागर धनखड़ जिसकी मौत हो चुकी है। सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था, अभी फिलहाल वो जेल में बंद है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए मीडियम न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।